अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मरीहा मलिक एंड यू आर वाचिंग टुडे समथिंग न्यू। तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यूड है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का हमने दो पार्ट्स कर लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, टेक्निक हर क्वेश्चन में सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए वो मैं अभी करवा रही हूँ, जिसमें पार्ट नंबर 3 है। ये ज़रा इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर के साथ हमें 1 चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 11x² को 11 से डिवाइड कर देंगे और सब टर्म्स को हम 11 से डिवाइड करेंगे। इलेवन से कैंसिल, एक्स स्क्वायर -34x/11 इज इक्वल्स टू -3/11, क्योंकि हम ये बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स इस तरफ रखते हैं, बाकी हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे, और वो मैंने बताया था कैसे करते हैं। वीडियो पॉज करें और दोबारा सोचें कि कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर -34x/11 प्लस, अब प्लस क्या करेंगे कि मैंने बताया था एक्स का जो कॉफिशेंट होता है, एक्स का कॉफिशेंट क्या है, 34/11 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2, 17 34। अब 17/11 ये रूल है कि इसके स्केयर से दोनों साइड्स पर हम प्लस कर देंगे, तो इसका स्केयर है 17/11 का स्केयर से हम प्लस करेंगे दोनों साइड्स पर। ये दोनों साइड्स पर हमने प्लस कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है a² + b होल स्केयर। कैसे बन रहा है, 2ab कैसे बन रहा है, इस ये एक्स लिखेंगे उसके साथ 17/11। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही वाली इक्वेशन दोबारा बन जाएगी, यही फॉर्म दोबारा बन जाएगी। 17 का स्केयर होता है हमारे पास 289 और 11 का स्केयर होता है 121। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करें तो क्या बनेगा, x+17/11 होल का स्केयर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे 121, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -33+289। अब इसका स्केयर ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्टेटमेंट साथ लाजमी लिखा करें, ये मैथ्स के पेपर में एक अच्छा इम्प्रेशन होता है। अच्छा, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, x+17/11 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आता है 256/121। अब 256 का अगर हम लोग अंडर रूट लें तो वो आता है हमारे पास 16/11। मैंने आपको बताया था अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आता है और तभी हमारे पास दो आंसर आते हैं। चूँकि हमने एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू 16/11 -17/11। एक सिचुएशन एक्स इज इक्वल टू 16/11 -16/11, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। -17 एक्स इज इक्वल टू 11 -16 -17 एक्स इज इक्वल टू 33/-1/11 एक्स इज इक्वल टू -33/11। आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1/11 -33/11। इसको बगैर सॉल्व किए यहाँ पर प्लस माइनस लगा के भी आप लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। lx² + mx + n = 0। एक्स स्क्वायर के साथ हम लोगों ने 1 लाना है तो एलएक्स स्क्वायर
एल इधर आएगा, प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एल। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि टू ओवर टू एक्स एम ओवर एल, इस तरह लिख देने से इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, ये हम बस इससे एक स्टेप आगे चले गए। एक्स, क्योंकि हमने ना ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना, तो उसमें टू ए बी जो है वो नहीं है, तो उसको हम खुद से बना रहे हैं, लेकिन इस तरह से करके बना रहे हैं। अब वो कैसे बनेगा, टू एम एक्स ओवर टू एल इज इक्वल्स टू माइनस एल ओवर एन ओवर एल। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे, अब इसमें कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2m x का जो कॉफिशेंट है वो ये है 2m ओवर 2l, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 ओवर 2 से। तो ये जो 2 होगा ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हम आपस क्या बचेगा, m ओवर 2l। m ओवर 2l का जो स्केयर है उससे आप दोनों साइड्स पर प्लस कर दें, तो वो क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस टू एम ओवर टू एल प्लस एम ओवर टू एल स्केयर इज इक्वल टू माइनस एन प्लस माइनस एन ओवर एल प्लस उसके आगे फिर ये वाली टर्म है आपकी, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला क्लोज करें तो वो क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स प्लस एम ओवर टू एल होल स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल प्लस, अगर हम इसका स्केयर खोलें, एम स्केयर ओवर फोर एल स्केयर। अब एक्स प्लस एम ओवर टू एल होल स्केयर इज इक्वल्स टू, नीचे आएगा फोर एल स्केयर, ऊपर क्या आएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फोर एल स्केयर एन प्लस एम स्केयर, यहाँ पर स्केयर नहीं आएगा, सॉरी। अब हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, तो स्केयर रूट क्या होगा हमारे पास, अच्छा अब ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एम ओवर टू एल हमारे पास बच गया। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जब प्लस या माइनस हो रही होती हैं वैल्यूज़ तो उनका स्केयर नहीं होता, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, एम स्केयर माइनस फोर एल एन, लेकिन नीचे वाली वैल्यू सिंगल है इसलिए इसका हम लोग स्केयर रूट ओपन करेंगे टू एल। अब एक्स की हमें वैल्यू चाहिए तो एक्स इस तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस ये वाली एम ओवर टू एल हम लोग लेफ्ट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, माइनस एम ओवर टू एल। अब बस यही अब आपका सॉल्यूशन सेट है, आप सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा अब ये आपका सॉल्यूशन सेट है, माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्केयर माइनस फोर एल एन,
ओवर 2l, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। बेशक आप इसको प्लस के साथ इलादा लिखें, माइनस के साथ इलादा लिखें, इट्स अप टू यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और थोड़ी सी शेयरिंग इस केयरिंग। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।